यूजुअली इनसॉल्युबल है, खाली वो ग्रुप वन वाले सॉल्युबल होते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होते हैं, और ग्रुप टू का वो निचला वाला मेंबर बेरियम टू सम एक्सटेंट स्ट्रोंसियम कोई सॉल्युबल नहीं होता, हाइड्रोक्साइड सब प्रेसिपिटेट है, एक्सेस दिया ना सॉल्युबल हो गया, ये सॉल्युबल हो जाएगा, सिल्वर डायमीन कॉम्प्लेक्स बना के सॉल्युबल हो जाता है। कैन बी ये चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूरा सिलेबस के अंदर हूं मैं, सिल्वर एक्सेस सोडियम आयन से कुछ नहीं करता है, एक्सेस अमोनिया में लेकिन सॉल्युबल हो जाता है, दोनों में लेकिन प्रेसिपिटेट देगा, एक्सेस अमोनिया में सॉल्युबल होगा, एक्सेस सोडियम में सॉल्युबल नहीं होगा, एल्युमिनियम लेता यही मैं पढ़ा रहा था, ये प्रेसिपिटेट आया है जो कि एम्फोटेरिक है, एक्सेस में ये एक कॉम्प्लेक्स बना लिया है और ये सॉल्युबल है, यही कॉम्प्लेक्स बॉक्साइट से एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन जो बेयर्स प्रोसेस में आप पढ़े थे सॉल्युबल है, यही कॉम्प्लेक्स था बेयर्स प्रोसेस में, अमोनियम हाइड्रेट दिए सॉल्युबल हो नहीं होगा प्रेसिपिटेट बना देगा, एक्सेस दिए कुछ नहीं होगा। तुम बोलोगे क्यों नहीं हुआ सर, तो मैं भी लाइक आप शायद सोच रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स बन जाए जैसे इसने बनाया, ऑक्टाहेड्रल हो टेट्राहेड्रल हो स्क्वायर प्लग कॉम्प्लेक्स बनकर सॉल्युबल हो जाए, बट ये कॉम्प्लेक्स पाया ही नहीं जाता है, डजंट एग्जिस्ट। फिर पूछोगे क्यों डजंट एग्जिस्ट, तो वह अलग बात हो गया, वो समझा दूंगा अलग करके, एल्यूमिनियम की एमोनिया कॉम्प्लेक्स नहीं है, नहीं है, इट डजंट एग्जिस्ट, तो वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं बना पाता बेचारा, क्या करे, पड़ा रहता है, इसलिए नो चेंज। सिल्वर का जैसे एमोनिया कॉम्प्लेक्स बन गया, अगर एल्यूमिनियम का बनता तो साथ सॉल्युबल भी हो जाता, बट एल्यूमिनियम की एमोनिया कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। क्यों नहीं बताया, डिफिकल्ट है आंसर, बट सुन लो एक बार ये बात कर रहा हूं। अगर पूछोगे मुझे सर ये कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं है, आई वुड रेफर टू इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल लाइनस पाउलिंग की। पाउलिंग ने सिखा बड़ा अच्छा, कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब वो न्यूट्रल हो, मेटल जब न्यूट्रल होता है तो ही जाके कॉम्प्लेक्स बनाता है। मेटल न्यूट्रल का मीनिंग ये एल्यूमिनियम है, ये एमोनिया ना बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एटलीस्ट वाटर से तो ज्यादा है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम है, तो ये 6 एमोनिया इधर आके इतनी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम की ये 3 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करके उसे नेगेटिव की तरफ लेने की कोशिश करते हैं, जो कि उसे पसंद नहीं है। इन अदर वर्ड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल वही सिखाया मुझे, कॉम्प्लेक्स तब बनेगा जब वो न्यूट्रल हो, ये न्यूट्रलिटी को क्रॉस कर जाता है, मैंने पॉजिटिव न्यूट्रल होकर नेगेटिव की तरफ चलने लगता है, बिकॉज ये 6 अमोनिया बहुत इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं क्योंकि उनकी नेगेटिविटी कम है एटलीस्ट एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, इसलिए नहीं बनता है। इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल ने कुछ कॉम्प्लेक्स की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को बड़ा अच्छा समझा है, ये पाउलिंग की प्रिंसिपल है, इसलिए वो सॉल्युबल नहीं होता है। आई थिंक आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर, क्लियर? यस। अब वो नोट देखना, अगर नहीं है तो मैं करूँ, मैंने मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, बट वो डॉक्यूमेंट हाफ डन है, तो इसलिए मैं किसी को नहीं दिया हूँ अभी तक, दिखा सिनॉप्सिस नाम से एक डॉक्यूमेंट लिख रहा था मैं, एक बार पीडीएफ वैरायटी नहीं है क्या, ठीक है ठीक है। ये ना एक मैंने डॉक्यूमेंट बनाया था जिसमें पूरे इनऑर्गेनिक के लिए रिएक्शंस ऑफ वाटर, खाली वाटर का रिएक्शन से सिलेबस भर, खाली वाटर का रिएक्शंस कहाँ कहाँ है, खाली वाटर चल रहा है, हाइड्रोलिसिस सब वाटर का ही है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हुए ये आया हाइड्रेशन, ये वाटर पिक करेगा, ये सब है तुम्हारा सिलेबस में, ज्यादा विविडली है बट है। डिहाइड्रेशन कैसे वाटर लॉस होता है, फिर रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड एमोनिया, एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ये कैसे लिखा है मैंने देखिए, 5 आयन लिखा है, फेरस करिक एल्यूमिनियम जिंक सिल्वर, सोडियम एडिसिन दो एक्सेस दो, एमोनियम दो एक्सेस दो, ये पढ़ा रहा था मैं एल्यूमिनियम, व्हाइट कलरलेस, व्हाइट नो चेंज,
एक्सेस अमोनिया में ये सिल्वर पड़ा रहा था, ब्राउन नो चेंज, ब्राउन कलरलेस। ऐसा आपको बाकी दो तीन आयन सीखना पड़ेगा। ये सोडियम एनायन ये क्लास नोट में मैंने लिखा है। सॉरी, ठीक है, मैं देख लूँ। अब आप लिखो, फेरिक हो गया, फेरिक के बाद क्रोमियम लिखते हैं, क्रोमियम की टेस्ट। क्रोमियम इज ऑब्टेंड एज क्रोमियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट। तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट को हम ना सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ट्रीट करते हैं। तो ये सोडियम क्रोमेट देता है प्लस वाटर देता है जो कि येलो कलर है, येलो कलर ऑक्सीजन तो देगा ही। ये क्रोमियम का टेस्ट है। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, बेसिक रेडिकल में कुछ स्पेसिफिक रेडिकल के बारे में लिख रहा हूं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। जैसे कॉपर कैडमियम सेपरेशन, एल्युमिनियम के बारे में लिखा, फेरिक की दो टेस्ट लिखा, क्रोमियम का एक टेस्ट लिखा। इसे मेरा ग्रुप 3A खत्म हुआ। अब ग्रुप 3B है, 3B। 3B में है जिंक कोबाल्ट निकल मैंगनीज। यहाँ एक इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि क्वेश्चन में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। जिंक कोबाल्ट निकल मैंगनीज ग्रुप सेपरेशन के दौरान सल्फाइड की तरह ही मिलते हैं, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मिलने से मुझे पता चला कि 3B का कोई मेंबर है, बट कंफर्म करने के लिए इन प्रेसिपिटेट को मुझे डिजॉल्व कराना पड़ता है। बिना डिजॉल्व करे थोड़ी कंफर्म कर पाओगे। आपको खाली पता चल गया कि इनमें से कोई एक है प्रेसिपिटेट मिला, तो बट आप तो नहीं जानते ना कौन है, तब कन्वर्ट टेस्ट कैसे करना है, प्रेसिपिटेट डिजॉल्व करेंगे। जब आप प्रेसिपिटेट को डिजॉल्व करते हैं तो पहले आप नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करते हैं, ये दोनों सॉल्युबल हो जाता है, ये दोनों सॉल्युबल नहीं होते हैं। इन्हें एक्वा रेजिया में डिजॉल्व करना पड़ता है। और ये क्वेश्चन पूछता है कौन सा सल्फाइड नाइट्रिक एसिड में भी सॉल्युबल नहीं है। उत्तर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दोनों नाइट्रिक एसिड में सॉल्युबल नहीं है, एक्वा रेजिया में जाके सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल करके वो निकेल का टेस्ट करेगा जो कि मैं लिखूंगा, जरूरी है तुम्हारे लिए। निकेल के डाइमिथाइल ग्लायोक्सिम टेस्ट लगता बिल्कुल है। कोबाल्ट का टेस्ट लिखूंगा मैं, मैंगनीज जिंक का लगेगा नहीं, जिंक का लिख देगा, नहीं तो जिंक का मैंगनीज का लगेगा नहीं। कोबाल्ट का टेस्ट लिखूंगा, वो अल्कोहल से करते हैं टेस्ट। तो मैं निकेल का टेस्ट लिखूंगा, कोबाल्ट की टेस्ट लिखूंगा, जिंक की टेस्ट लिखूंगा। लेकिन एक बात इससे पहले लिखूंगा कि ये दोनों नाइट्रिक एसिड में भी सॉल्युबल नहीं है। ये क्यों सॉल्युबल की बात आया, बिकॉज हमें इन प्रेसिपिटेट को सॉल्युबल करना पड़ता है, फिर जाके हम सिटी करते हैं। मैंने सिटी मैंने कंट्रोल टेस्ट लिखिए। आउट ऑफ द सल्फाइड प्रेसिपिटेट्स कोबाल्ट सल्फाइड एंड निकल सल्फाइड do not dissolve in nitric acid even. They are made soluble in aqua regia. बस एक पॉइंट है। अब टेस्ट देख, पहले निकल का टेस्ट इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड मीडियम। डाइमिथाइल ग्लायोक्सिन गिव्स रोजी रेड प्रेसिपिटेट, पूरा एकदम लाल दिखता है, ऑफ निकल डीएमजी होल्ड टू आइस। ये बहुत पॉपुलर कॉम्प्लेक्स है,
निकल डाइमिथाइल क्लायोक्सिमेट कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं ड्रॉ करने के पीछे कारण है, मैं ड्रॉ करता हूँ फिर बताता हूँ क्या कारण है, तुम ड्रॉ करो मेरे साथ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाना है मुझे, यहां भी दिखाना है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा यहां से, ये निकल बैठा है अंदर 2+ स्टेट। ये रोजीरेट प्रेसिपिटेट है। पता है क्यों ड्रॉ किया? आकाश की इनहाउस एग्जाम में, मैंने जो अंदर होते हैं एग्जाम, निकल डाइमिथाइल लायोक्सिमेट कॉम्प्लेक्स में कितनी 5 मेंबर रिंग है पूछा था। 2 5 मेंबर रिंग है, 2 6 मेंबर रिंग है। क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ पूछ लेते हैं और क्या। तो रोजीरेट प्रेसिपिटेट, और अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिकल करते साल करते अगर सही तरीके से, और अगर आपकी स्कूल ये सब चीज़ों को सीरियसली कराता है, तो फिर ना आप ये पक्का एक बार कम से कम लिखते अपने रिकॉर्ड में, लिखा जाता है निकल डाइमिथाइल क्लायोक्सिमेट से। इसकी कंट्रोल टेस्ट किया जाता है निकल का। तो रोजीरेट प्रेसिपिटेट निकल डाइम, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल है, ये ओरिजिनली OH था, दोनों तरफ OH था, लेकिन तूने जो अल्कली मीडियम यूज किया ना, वो एक एच लॉस कर दिया। दूसरा मॉलिक्यूल ने भी एक एच लॉस किया, ये लॉस क्या है, इसका ये एच नहीं है। अब दोनों पलट के एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर गए, करके ये बड़ा सा लाइगंड एक बनाया जो कि टेट्राजिंटेट हो गया, और निकल के साथ आके एक बड़ा अच्छा स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बनाया। ये माइनस चार्ज और ये माइनस चार्ज मिलके निकल प्लस टू को पूरा न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो मैं ऐसा न्यूट्रल लिख छोड़ा हूं। निकल का टेस्ट हुआ, अब तू पढ़ेगा कोबाल्ट का टेस्ट। कोबाल्ट सोच रहा हूं क्या करूं। ठीक, टू द सॉल्यूशन, मैंने कोबाल्ट तो डिजोल्व करेगा, कैसे डिजोल्व किया, एक्वाराइजेशन डिजोल्व किया, मुझे किया क्या, टू द सॉल्यूशन लिटिल अल्कोहल एड अमोनियम थायसाइनेट इज एडेड। ब्लू कलर ऑफ NH4 होल ट्वाइस COSCN hole 4 confirms presence of cobalt. Confirms presence of cobalt. ये ब्लू कलर बनता है। अब फाइनली आज जिंक की टेस्ट लिखूंगा। जिंक तो H2S पास कर देना, सॉल्यूशन प्लस H2S पास कर दे, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ जिंक सल्फर आएगा। सॉल्यूशन प्लस पोटेशियम फेरोसाइनेट दे दे, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ जिंक फेरोसाइनेट आएगा, व्हाइट, ये भी व्हाइट जिंक फेरोसाइनेट। ये मेरा जिंक का टेस्ट खत्म हुआ, मैं चला ग्रुप 4 की तरफ। ग्रुप 4 में कैल्शियम स्ट्रोंशियम ग्रुप 4, जिसमें कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम है,
इसमें मुझे एक पढ़ाना पड़ेगा, एक पूरा ना पढ़ाऊं तो चलेगा। ग्रुप फोर प्रेसिपिटेट्स कार्बोनेट्स होते हैं, आप ऊपर पढ़े हैं। फिर प्रेसिपिटेट को डिजोल्व करना पड़ता है, डिजोल्व करके ही तो टेस्ट करोगे। डिजोल्व एसिटिक एसिड में किया जाता है। फिर आगे पूरा प्रोसीजर नहीं बोल रहा हूं, क्या इंपॉर्टेंट पता है, इस दौरान होने वाले कैल्शियम की टेस्ट में बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम तीनों है, एमोनियम सल्फेट में कैल्शियम डिजोल्व हो जाता है, ये पूछते हैं, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है वो चीज। मैं बताता हूं, मैं मुझे पाठ पाठ पढ़ा रहा हूं, पूरा पढ़ा नहीं रहा हूं क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा। ग्रुप फोर कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम जो कि ग्रुप फोर मेंबर्स है, जो कि हम कल उस दिन प्रीवियस क्लास में लिखे थे, गिव रेस्पेक्टिव कार्बोनेट प्रेसिपिटेट व्हिच आर मेड सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड। अगर पूछोगे क्यों एसिटिक एसिड, समझा सकता हूं, लेकिन नहीं चाहिए, नहीं इस बात में। व्हिच आर मेड सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड, ठीक है। पोटेशियम क्रोमेट इज एडेड, बेरियम गिव्स बेरियम क्रोमेट प्रेसिपिटेट। एक्सेस अमोनियम सल्फेट इज एडेड टू द फिल्ट्रेट कैल्शियम डिजॉल्व्स, बस यही पूछता है, बाय फॉर्मिंग क्या बनाता है, तो मैं सोच रहा हूं NH4 होल ट्वाइस CA, कॉम्प्लेक्स बनाता है। बनाकर डिजॉल्व हो जाता है, एमोनियम कैल्शियम सल्फेट कॉम्प्लेक्स बनाकर डिजॉल्व हो जाता है, स्ट्रोंशियम फॉर्म्स SR SO4 प्रेसिपिटेट। ये कैल्शियम, ये जो डिजॉल्व वाला कॉम्प्लेक्स है कैल्शियम का, ये पूछते हैं। और खत्म हो गया, अब ग्रुप फाइव, ग्रुप फाइव में स्पेसिफिक टेस्ट आएंगे, ग्रुप फाइव एंड जीरो ग्रुप। जीरो याद होगा आपको, अमोनिया मैंने जीरो ग्रुप पे करके रखा था, तो यहां पे सबका टेस्ट लिखूंगा। अमोनियम टेस्ट इंपॉर्टेंट है, अमोनियम की टेस्ट, अमोनियम की टेस्ट, सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस नेसलर्स रिएजेंट, नेसलर्स रिएजेंट, अमोनिया की, अमोनियम की कंफर्म टेस्ट आप लिख रहे हैं, ब्राउन प्रेसिपिटेट, ये अमोनियम कंफर्म है। ये ब्राउन प्रेसिपिटेट कौन है, ऑफ आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, डबल एल मिलन्स बेस, ये ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है जिसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ओ एच जी एच जी एन एच टू आई, ये बनता है, ये आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। ये अमोनिया की कंफर्मेशन टेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट लेकिन नहीं है, फाइनल एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रिएजेंट इंपॉर्टेंट, नेसलर्स रिएजेंट, उसकी टाइटल इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि अमोनियम टेस्ट में यूज होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी सोडियम पोटेशियम की टेस्ट है, एक मैग्नीशियम लिख देता, सोडियम पोटेशियम कोई पूछेगा नहीं। पायरो एंटीमोनेट से टेस्ट होते हैं, कोबाल्टी नाइट्रेट से टेस्ट होते हैं, बट वो ज्यादा ही हो जाएगा, पढ़ा दूंगा लेकिन वो नहीं होगा। मैग्नीशियम टेस्ट पता है तुझे, मैग्नीशियम में क्यों लिख रहा हूँ,
मैग्नीशियम ना ये जो टेस्ट अभी लिखूंगा ये तुझे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑर्गेनिक में क्लास 11 की जो जीओसी उसके अंदर है, इट गिव्स प्रेसिपिटेट ऑफ MgNH4BO4। बस हो गया मेरा, मैंने खाली जो कैल्शियम वाला कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा देखता हूँ किताब से। अच्छा उस दिन ना कलर मैंने गलत लिखा था, मैं बता दूंगा क्या लिखा था कलर लास्ट क्लास में। रुको मैं कैल्शियम वाला कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा देख रहा हूँ क्या मैंने गलत कुछ लिखा ना। ठीक वही कॉम्प्लेक्स बन रहा है। उस दिन ना मैंने क्या कलर गलत लिखा था, खोज तो कॉपी खोज तो, नाइट्राइट टेस्ट पे जा, नाइट्राइट देख। मैंने एक एनिलिन की डाई टेस्ट लिखा है, नाइट्राइट में एनिलिन की डाई टेस्ट आता है, मैंने शायद कलर को ऑरेंज कलर लिखा था, वो येलो होगा ऐसे पता नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बट येलो कर लो। खोजो खोजो कॉपी खोजो, नाइट्राइट के पास जाओ, डाइल्यूट एसिड की नाइट्राइट टेस्ट में एनिलीन देके आपने एजोडाई टेस्ट किया था, कलर चेक कीजिए मैंने क्या लिखा था। मुझे जैसे याद आ रहा है मैंने ऑरेंज कलर लिखा था, बट वो येलो कलर है, येलो कलर कर लीजिए। तो मुझे बाद में ध्यान आया, हो गया। कुछ कम नहीं पढ़े हैं, बहुत है क्वालिटेटिव एनालिसिस में। अब चल क्वेश्चन देखते हैं, एक बार चेक कर ले, तुझे तीन चार बार पढ़ना पड़ेगा तो कुछ भूल जाएगा, बट वो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। अब क्वेश्चन देखते हैं, रुक शुरू से देखूंगा मैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पहले देखने की कोशिश कर रहा हूँ, काफी बड़ा क्वेश्चन मुझे है क्या, पीछे की तरफ रोड मैप्स की तरह है क्या मैंने? बच्चा पहले देखेगा ना डर जाएगा, बट जैसे जैसे करोगे ना थोड़ा इजी लगेगा, एकदम इजी लगेगा, पहले देखेगा एकदम डर जाता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो रैंडम करते हैं, कुछ 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 करते हैं। अच्छा आओ, क्या लगता है आपको, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट इज इन सॉल्युबल वाटर? चलो बोलो, अरे संसार की सारी सल्फेट पानी में सॉल्युबल है, एक्सेप्ट लेड स्ट्रोंसियम कैल्शियम, नहीं एक्सेप्ट लेड स्ट्रोंसियम बेरियम, संसार की सारी सल्फेट पानी में सॉल्युबल है, लेड स्ट्रोंसियम बेरियम, लेड स्ट्रोंसियम बेरियम, बाकी सारे सल्फेट पानी में सॉल्युबल। अरे सिल्वर मेटल हाई हेवी मेटल सल्फेट भी सॉल्युबल हो जाता है। चलो आंसर हो गया, ये आपने एक छोटा सा चीज सीखा सल्फेट्स के बारे में। चलो टू बताओ, टू एक्चुअली एक मिनट ब्रेक ले रहा हूं,
हाँ क्या हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। HGCl2 हाँ ये याद है, ये पढ़ाया था मैंने, HGCl2 ये। अच्छा देखो प्रिलिमिनरी टेस्ट नाम से मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन ये ना मैं अपनी बुक से दो पेज आपको पेस्ट कर दूंगा, एक बार पढ़ लोगे। प्रिलिमिनरी टेस्ट यूज टू डिटेक्ट एंट्स, फ्लेम टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट इज नॉट प्रिलिमिनरी टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट इज ए कन्फर्मेड टेस्ट। प्रिलिमिनरी टेस्ट ये सब होते हैं, बोराक्स बिट टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बिट टेस्ट, ये प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है। प्रिलिमिनरी टेस्ट ना आपको हिंट देता है, बहुत ज्यादा काम का नहीं है, बट यूज होता है लैब में। चलो ये बताओ, सर ड्राई टेस्ट को ही प्रिलिमिनरी टेस्ट कहते हैं? हाँ बोलते हैं ड्राई टेस्ट को। चलिए चार बताओ, चार पोटेशियम डाइक्लोराइड कैसे से हीटेड कौन सा रिएक्शन? यही तो प्रोमाइल क्लोराइड, तो प्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट तो ये पोटेशियम क्लोराइड, एकदम देखना मैं कॉपी में लिखा हूं, पाउडर पोटेशियम डाइक्लोराइड में होता है। एक क्लोराइड सॉल्ट लेके करने से बेहतर होता है, उन्होंने क्लोराइड सॉल्ट नहीं लिया है, वो डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेट एचसीएल ले लिए, तो फिर भी तो वही आएगा। हम क्या किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़े थे, एक क्लोराइड सॉल्ट हो, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड हो और फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट के पाउडर, वो क्लोराइड सॉल्ट एंड कॉन्सेंट्रेट सल्फ्रिक एसिड मिलके एचसीएल देंगे, जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ मिलके तुझे क्रोमाइल क्लोराइड देगा। चलो पांच, हाँ यार वही तो है ना, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, ब्राउन रिंग, दो बार आप पढ़े हो, एक बार नाइट्राइट के लिए पढ़े हो, एक बार नाइट्रेट के लिए पढ़े हो, नाइट्राइट के लिए डाइल्यूट एसिड में, नाइट्रेट के लिए कॉन्सेंट्रेट एसिड में होता है, यही तो है नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। ठीक है तुम्हें याद नहीं आएगा, फटाफट जल्दी याद नहीं आएगा, तो एक ही बार पढ़े हो। नेक्स्ट वन, ऑक्सैलेट। मैं भी देख रहा हूँ, सॉल्ट विच गिव्स कार्बोनेट हॉट सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑल्सो डिक्लेयर ऑक्सैलेट होगा, बिकॉज ऑक्सैलेट ना दो गैसेस रिलीज करता है, बट मैंने ना नहीं लिखा है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट को डिकोलराइज कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बोनेट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, बट एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट को डिकोलराइज करने कोई सवाल नहीं है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड देगा, तो वो एक ही बात है, एसिडिफाइड पोटेशियम पर डिकोलराइज होने चांस नहीं है। एसीटेट एसिटिक एसिड दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा ही नहीं, एसीटेट थोड़ी सल्फ्यूरिक एसिड में कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ऑक्सैलेट ही है जो कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड देगा, एंड दैट मोनोऑक्साइड कैन यू नो पोटेशियम डिकोलराइज कर सकते। चलो मैं कुछ करके दिखा, पढ़ोगे तो समझ जाओगे, धीरे 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 समझना शुरू करोगे। वी लाइक टू चेक एनीथिंग एल्स, कुछ और देखना चाहोगे? सर कितना बार पढ़ के अटेम्प्ट करें इसको? दो तीन बार पढ़िए, दो तीन बार पढ़िए, और पढ़ने के बनाने के समय जब रुकेंगे ना, आपको लगेगा कि वहाँ है कॉपी के अंदर, वहाँ है, वहाँ है, बट आपको याद नहीं आ रहा है, ऐसा लगेगा आपको। जब आपको लगेगा ना, फिर कॉपी खोल के देखिए, देख के बनाइए। अच्छा आगे तो और भी बना सकते हैं, मैं काम कर रहा हूँ, मैं हर पेज को थोड़ा टच करने की कोशिश कर रहा हूँ। सीधा कुछ भी उठाओ, आप बताओ कौन सा उठाए, एक दो वहीं पे उठा लेते हैं। चलो ये बताओ, ये बहुत इजी थे, मैं दिख रहा है मुझे इजी, ये भी कर दो बारह, बारह का सेकंड इक्वेशन मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे नहीं लगता मैंने बोला है, यही पे बात कर लेता हूँ। क्या है डिटर्जेंट अमोनियम अमोनिया प्रेसिपिटेट, किसे प्रेसिपिटेट करेगा? 13 का बताओ, अरे वो ग्रुप सेपरेशन है, जो ग्रुप सब लिस्ट बना के रखा है ना मैंने, उसी में ये है ग्रुप 3A का रिएजेंट, ये है अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोसाइड ग्रुप 3A का रिएजेंट, आप देखना चाहोगे? चलो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो सर NH4Cl तो 4 का भी रिएजेंट है। ये हाँ, लेकिन फोर्थ का रिएजेंट वो होने से क्या होगा,
NH4OH, वो NH4Cl प्लस अमोनियम कार्बोनेट है ना, आप तो एक नहीं देखोगे ना, पेयर में देखोगे ना चीजों को। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड एजेंट जो कि प्रेसिपिटेट ऐसा देगा, एल्युमिनियम आयरन क्रोमियम में से कोई भी हो सकता है। दोबारा क्वेश्चन चेक करो, अब समझ में आएगा एजेंट क्या है। अमोनियम क्लोराइड एंड एक्वियस अमोनियम, वही तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, यही तो एल्युमिनियम आंसर है, एल्युमिनियम आयरन क्रोमियम एजेंट्स डायरेक्ट पूछा। 12 का देखो, 12 बोल पाओगे, देखो तो 12 डी होगा क्या? सुनो, येलो 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 प्रेसिपिटेट ना PbI2, मैंने ये पढ़ा है, मैंने मुझे याद है ये पढ़ा है, लेकिन एक्सेसिव सॉल्युबल मैंने नहीं पढ़ा है। एक्सेस सॉल्युबल K2PbI4 बना के सॉल्युबल हो जाता है, एक्सेस है वो। तो ऑप्शन नंबर, बोलो, मैं उसका वैलेंसी चेक करके फिर। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, वॉल्यूम कम है मेरा। हाँ बताओ। तो मैं उसका वैलेंसी चेक किया तो समझ में आया। हाँ ठीक है, वो कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों क्वेश्चन दिखा, फिर डजन डिजोल्व, ए देख, ए ही क्वेश्चन पूछ रहा है, देख देख हो रहा है कि, देख तो कर पाएगा कि, देख तो। आज मैंने पढ़ा है एक अलग, जिंक कोबाल्ट निकल मैंगनीज के अंदर मैंने पढ़ा है, ये थोड़ा सा हटके है, बट शायद मुझे लग रहा है कि मैंने ये भी पढ़ा है। मैं देख लेता हूँ, पढ़ा है, तुम भी देखो। ना नहीं बोला है, मुझे यही बोलना था, बोलता तो यही पे बोलता है, मार्करी टेस्ट के पास मार्करी डिजॉल्व नहीं होता है, मार्करी नहीं डिजॉल्व होता डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में, जो मार्करी सल्फेट डिजॉल्व नहीं होता है, क्या में डिजॉल्व हो सकता है। मैंने आगे जाके कोबाल्ट निकल दिखा, कोबाल्ट निकल एक्वेरियम में डिजॉल्व होता है, सो ऑल्सो मार्करी सल्फाइड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में भी डिजॉल्व नहीं होता है। आप ये बात तो थोड़ा सा जाके लिख दो, तो यहीं पे लिख दो, तो आप तो यहीं पे लिख दो। ग्रुप टू में लिखना चाहिए हमें, मार्करी बोले है ना, तो ग्रुप टू में लिखना चाहिए, आज की नोट में लिखे, कॉपर कैडमियम सेपरेशन से पहले ऊपर लिख दे मार्करी सल्फाइड, मार्करी टेस्ट, मार्करी सल्फाइड इज मेड सॉल्युबल इन एक्वा रेजिया, सॉल्युबल इन एक्वा रेजिया एंड देन टेस्टेड। थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर आप देखना चाहोगे काम करो तो 22 बताओ तो। मैं ऐसे जहां नजर आ रहा है देख रहा हूं 22। तो NH4 प्लस अमोनियम कभी प्रेसिपिटेट नहीं होता है, सॉल्युबल हो जाता है। अमोनियम हमेशा सॉल्युबल हो जाएगा, वो अमोनियम प्रेसिपिटेट नहीं होता, इसलिए वो हाइड्राइड ऑफ मिलन्स बेस बना के प्रेसिपिटेट बना के उसे टेस्ट करते हैं। क्या होता है, लैब मैनुअल ऐसा है कि आपको विजुअल डिटेक्शन दिखना चाहिए, क्या प्रेसिपिटेट बनना चाहिए, कलर डिस्चार्ज हो जाना चाहिए, तो प्रेसिपिटेट से ना बने तो टेस्ट कैसे करोगे, तभी वो एडेड मिलन स्पेस, नहीं तो इतना डिफिकल्ट रिएजेंट की बात क्यों होती है कि ये लोग प्रेसिपिटेट नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताऊँ तुझे, सोडियम की टेस्ट राइट, पोटेशियम पायरो एंटीमोनेट यूज होता है, इतना डिफिकल्ट रिएजेंट क्यों ले रहे हो, बिकॉज सोडियम की सारी सॉल्ट सॉल्युबल है, प्रेसिपिट दे नहीं देगा, प्रेसिपिट नहीं देगा तो कंफर्म कैसे करेगा, तब वो खोज के एक ऐसे रिएजेंट निकाला जो कि सोडियम के साथ प्रेसिपिट देता है। पोटेशियम पायरो एंटीमोनेट डालने से सोडियम सोडियम पायरो एंटीमोनेट बना के प्रेसिपिटेट हो जाता है। पायरो एंटीमोनेट की फॉर्मूला KH2SbO4, ये बनाएगा NaH2SbO4 बना के प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट है। सोडियम सॉल्ट प्रेसिपिटेट होना बहुत रेयर इंस्टांस है, इसलिए डिफिकल्ट रिएजेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है इनके लिए, अमोनियम के लिए एडेड मिलन स्पेस बनाना पड़ता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप पढ़ लो, मैं बताता हूँ आंसर, पढ़ो आप।
मैं थोड़ा चाय पी लूँ, मैं 3 बजे से बैठा हूँ, पीटीएम पीटीएम चल रहा था, पर चलेगा अभी 8-10 तक, आजकल ब्रेक नहीं मिल। अच्छा सुनो, बोलो, थोड़ा डिफिकल्टी। पता है तुझे, the reagent that when added in excess to this solution would H2S. आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। सारे बच्चों को आ रही है ना आवाज मेरी? हाँ सर। ठीक, सुनिए, द रिएजेंट दैट व्हेन एडेड इन एक्सेस टू द सॉल्यूशन वुड आइडेंटिफाई एंड सेपरेट फेरिक इन वन स्टेप, वुड आइडेंटिफाई एंड सेपरेट। मेरे मन कहाँ जा रहा है मैं बता दूँ, ये क्या सोच रहा हूँ, आइडेंटिफाई एंड सेपरेट। आंसर आंसर देखो तो जरा, देखो देखो तो, हेलो, हाँ सर, खोज रहे हो क्या? अच्छा, सर 2 है। हाँ, ये ना डिफिकल्ट था, फेरिक अमोनिया सॉल्यूशन में कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, वो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया, माने लिक्विड अमोनिया जैसे में कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ये बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तभी फेरिक ने कॉम्प्लेक्स बना के सॉल्युबल हुआ, और इन दोनों कॉम्प्लेक्स नहीं बनाए, नहीं बनाए, अच्छा नहीं है क्वेश्चन, कोई नहीं पूछता फेरिक हेक्सामिन कॉम्प्लेक्स कब बनता है, वो तुम्हारे करिकुलम में नहीं है, ऐसा पढ़ना नहीं है, ये इसे जुड़ा था, फेरिक अमोनिया कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है एक्वस अमोनिया से, बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन होने पे बनता है, बट मुझे लग रहा है छोड़ सकते हो इसे, नहीं होगा H2S भी तो हो सकता है, Z क्या H2S तो हो सकता है, जिंक और कॉपर प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ये कौन कौन कौन, जिंक और कॉपर तो प्रेसिपिटेट कर जाएगा ना H2S के साथ, स्लाइटली एसिडिक है, अरे फेरिक H2S गैस तो गए, जिंक प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, जिंक प्रेसिपिटेट करता है H2S को अमोनिकल मीडियम में पास करने से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मीडियम में अगर H2S पास करोगे तो जिंक प्रेसिपिटेट करता है,
क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड H2S को ज्यादा आयनाइज कराता है, ज्यादा सल्फाइड आने पे ही जिंक प्रेसिपिटेट करेगा, जिंक प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। जिंक कोबाल्ट निकल मैंगनीज जिस ग्रुप में है उस ग्रुप के रिएजेंट अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड H2S है, जिंक नहीं करेगा। अच्छा अंदाज कर पाओगे 32? मैंने पढ़ा है, मुझे याद है मैंने पढ़ा है। अंदाज कर पाओगे? रेडिस ब्राउन लिखा है, रेडिस ब्राउन तो नहीं है, लाल लाल दिखेगा, रेड भी दिख सकता है। मैं दिख रहा हूं कहां पे पढ़ाया था, तो मैं खोज रहा हूं, लाल लाल दिखेगा। एसिटेट, ये देखिए सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस फेरिक, वाइन रेड कलर ड्यू टू फेरिक एसिटेट, उसी को न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड बोल रहा है वो, फेरिक क्लोराइड के थ्रू ऐड किया होगा। न्यूट्रल क्यों करना पड़ता है? बिकॉज फेरिक क्लोराइड पानी में हाइड्रोलाइज करके थोड़ा एसिडिक मीडियम क्रिएट कर सकता है, इसलिए न्यूट्रल बोलते हैं। अब आप देखिए उसको, वही तो है एसिटेट के साथ फेरिक, लाल दिखेगा आपको फेरिक एसिटेट। कितना कुछ बना है देखो, तो ये क्या किया है देखो, देखो मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूं, तुम देखो, देखो ये भी बहुत बड़ा कुछ लिखा है, जितना ये डिफिकल्ट डिफिकल्ट दिख रहा है बनाओ, मेरे प्रेजेंस में बनाओ। कॉपी थोड़ा पलटना चाहते तो पलट भी लो। वो प्रेसिपिटेट है कि नहीं बता? यस सर, प्रेसिपिटेट है 2B का, वो एंटीमनी सल्फाइड प्रेसिपिटेट होता है, हालांकि एक्सेल मीडियम में पास करना होता है। ठीक है, दूसरा वाला ना वार्म कॉन्सेंट्रेट सेल देने से वो सॉल्युबल हो जाएगा, वो सॉल्युबल हो जाता है, सॉल्युबल करके उसे टेस्ट करते हैं एंटीमनी को। मैं एक बार अपनी बुक से देख रहा हूँ एंटीमनी सल्फाइड वार्म कॉन्सेंट्रेट सेल सॉल्युबल होता है कि नहीं है, मुझे लग रहा है वो सॉल्युबल हो जाएगा। इसलिए सेकंड रिएक्शन से प्रेसिपिटेट नहीं आएंगे। आप सेकंड वाला पार्ट अगर नहीं कर पा रहे हो, मैं तो बोलूंगा ये आउट ऑफ सिलेबस है। ग्रुप टू बी का
टेस्ट नहीं आता है, टूबी का टेस्ट है ये। टूबी का प्रेसिपिटेट तक पूछे फिर भी ठीक है, बट ये टूबी का टेस्ट पूछने लग गया है। अरे को एडवांस के नाम क्या है सब पूछ लोगे आप, ऐसा नहीं होता है। ये टूबी का टेस्ट का हिस्सा है, टूबी की टेस्ट सेपरेटली पढ़ाया जाता है। टूबी की प्रेसिपिटेट को पहले सॉल्युबल करना पड़ता है, फिर टेस्ट करना पड़ता है। ये टूबी की प्रेसिपिटेट को सॉल्युबल करने की टेक्निक है, तो उसका चिंता मत करो। तुम्हें यहां से प्रेसिपिटेट पता चल रहा है तो दिस इज अनदर। आते हैं 30 को, 30 क्या क्या बताइए। ए क्या है बताओ, ए बताया क्या है? अरे फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट है, यही अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो दिखा रहा था आज उस टेबल से। अमोनियम हाइड्रोक्साइड देने से प्रेसिपिटेट देता है, एक्सेस देने से कुछ चेंज नहीं होता है, नहीं होता है चेंज, और ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देता है। फेरिक अमोनियम में ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है, एक्सेस अमोनिया में कुछ नहीं करता है। HCl दे दोगे ना सॉल्युबल हो जाएगा। अरे फेरिक क्लोराइड बना के सॉल्युबल होगा क्या, कहां जाएगा? पोटेशियम फेरोशेनेट दिया ना, अब फेरिक फेरोशेनेट बनेगा, जो कि आज मैंने लिखा प्रुशियन ब्लू, सी तरह प्रुशियन ब्लू है। और फेरिक पोटेशियम था, आज मैंने लिखा ब्लड रेड कलर आएगा, फेरिक HCN होल प्राइस जो है पूछेगा कंपाउंड डी इज ब्लड रेड कलर, ठीक बात है। सी इज ब्लू कलर हो गया, तो फिर तो हो गया। ए आर ब्राउनिश रेड प्रेसिपिटेड, बात सही है, फेरिक हाइड्रोक्साइड ब्राउनिश रेड दिखता है, तो सब ठीक है। ये पूरा एकदम सिलेबस के अंदर रहते हुए। अब आप 35 बताइए, 35 अच्छा लगता है जब दो तीन बार पढ़ लोगे ना, पढ़ के दो चार क्वेश्चन बनाओगे, बनने लगेगा ना, तो खुशी होती है। अब बोलो ऑप्शन थ्री, वन टू थ्री फोर है, और क्या ऑप्शन? थ्री लग रहा है मुझे भी। अरे ये ना कॉपर ने एक्सेस अमोनिया ना, आज ही तो पढ़े, एक्सेस अमोनिया में वो सॉल्युबल हो जाता है, कॉपर टेट्रामिन बना के सॉल्युबल हो जाएगा। तो कॉपर टेट्रामिन कॉम्प्लेक्स में कॉपर तरह रह गया ना, स्क्वायर पैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में रह गया, तो कॉपर का टेस्ट कैसे मिलेगा तुझे? तो तेरा डार्क ब्लू सॉल्यूशन में कॉपर टेट्रामिन कॉम्प्लेक्स है, इसको तो दो हिस्सों में बांट लिया, वो दो हिस्सों में बांट लिया है, वो उसको ऐसे ही लिख रहा है। इसको लेके सल्फेट टेस्ट किया, सल्फेट बाहर पड़ा है, स्क्वायर पैकेट की बाहर पड़ा है, टेस्ट तो देगा, बट कॉपर तो स्क्वायर पैकेट के अंदर पड़ा है, वो कॉपर की फॉर्म में थोड़ी है, वो तो कॉपर टेट्रामिन है, तो कॉम्प्लेक्स है, तो कॉपर का टेस्ट कैसे आएगा? कॉपर टेट्रामिन सल्फेट है, जिस वजह से कॉपर तुझे टेस्ट नहीं दे रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ता हूँ, कहीं से कुछ उठाऊंगा। ये एंटीमनी बंटीमनी मत पूछो, ये कुछ एग्जाजरेटेड है, ऐसे ही मन नहीं होता है क्वेश्चन, बट जो मन में आया नहीं पूछते। एंटीमनी क्या, कहाँ एंटीमनी टेस्ट नहीं पढ़ाते। एंटीमनी आर्सेनिक ग्रुप 2B का पार्ट है, 2B नहीं आता है, कभी नहीं है देखा है मैंने। एडवांस के नाम पे कुछ भी पूछ लेते हैं लोग। अच्छा, एक्सपेरिमेंट डिटेक्शन सल्फाइड इज गिवन बिलो, आई थिंक दिस यू शुड डू, वुड लाइक टू चेक, चेक करो तो क्या है, देखो तो। ये मैंने भी पढ़ाया है, और क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस में क्लास 11 की GOC के अंदर भी ये है। क्या रे वो, अरे वो FeCN5 है ना, S4- हो जाएगा, पर्पल वॉलेट 3, प्रोडक्ट इज पेंटासियानो नाइट्रेट फिरेट 1, बट पहला वाला ही सही है, वॉलेट ही आता है। आयरन यहाँ +2 स्टेट में रहता है, 3 नहीं। ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, आयरन +2 में है, प्रोडक्ट में भी +2 में रहेगा, वो खाली अंदर जाकर ट्रैप हो जाएगा, ये NO की बदले में NOS बनेगा। ये सल्फाइड है, यहाँ पे देख, ये सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस सोडियम नाइट्रोक्साइड वायलेट कलर, मैंने ऑक्सीडेशन शेड लिख सकता था, लिख देता हूँ यहाँ पे, ये +2 है, ये +2 है।
अरे रुको तो रुको तो रुको तो रुको रुको रुको, प्लस टू है ना, जो कंफ्यूजन मुझे हुआ एनओ का बिहेवियर बड़ा अजीब होता है कभी कभी, मैं चेक कर रहा हूँ, लेट मी क्लू, अच्छा एक काम करो, तो जिसके पास बुक है थोड़ा आंसर देखो, तो इसका आंसर देखिए 42 का, सर ऑप्शन वन वन ही है ना, तो फिर तो प्लस टू ही है, ठीक लग रहा था प्लस टू ही होगा, प्लस कंफ्यूजन्स कभी कभी मैंने आउट ऑफ ऑब्लिवियन आते हैं, नो है। अच्छा ये आप देखना चाहते हो 43, देखिए 43 रूट मिल गया होगा, 43 सॉल्व करने का रास्ता मिल गया, आप कॉपी देख के बोलो बोलो ना, बोलो सर, दो ही लग रहा है, ग्रुप टू, ग्रुप टू मेंबर कर देने से हो जाएगा, HCl H2S ग्रुप टू रिएजेंट है, तो ग्रुप टू मेंबर कौन है पहचान देने से हो जाएगा, कॉपर ग्रुप टू मेंबर है, लेड ग्रुप टू मेंबर है, कैडमियम ग्रुप टू मेंबर है, आर्सेनिक ग्रुप टू मेंबर है, टीन ग्रुप टू मेंबर है ना, HCl H2S सर दोनों ही चलेगा, हाँ सब सब HCl H2S 2A2B देखेगा, यहाँ देख HCl H2S 2A2B होते हैं, ये 2A2B देख समान, डायरेक्ट HCl H2S डायरेक्ट HCl H2S दोनों रिएजेंट समान है, ये सारे भी है मेंबर्स है, कॉपर कैडमियम लेड बिस्मथ मर्करी आर्सेनिक एंटीमनी टीन मतलब स्टानास्टानिक दोनों है, ये डायरेक्ट एसिल एस्ट्रिस ये भी डायरेक्ट एसिल, बट फिर बाद में लिखा गया कि बट सल्फाइड प्लस ग्रुप टू भी डिजॉल्व इन येलो अमोनियम सल्फाइड है, येलो अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल होते हैं, जो कि 2A सॉल्युबल नहीं होता है, बट रिएजेंट डायरेक्ट एसिल एस्ट्रिस, तो आप कॉपर होगा, लेड होगा, कैडमियम होगा, आर्सेनिक होगा, कोबाल्ट तो नहीं है, टीन हो जाएगा, निकल तो नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, पांच 44 देखो 44 47 क्वेश्चन देख रहा हूँ, 44 आइडिया कर पा रहे हो, बोर
ये जिंक ये बनाता है, जेड एन ओ एच होल फोर टू माइनस बनाता है। जिंक जब सॉल्युबल होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स बना के सॉल्युबल होता है, फोर कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बना के सॉल्युबल होता है। ये क्या है देखो तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ पूरा। 40 इनसॉल्युबल इन एक्वा रेजिया, इनसॉल्युबल इन एक्वा रेजिया, इनसॉल्युबल इन एक्वा रेजिया। एक ही ऑप्शन है, देखो तो आंसर ये है क्या, देखो तो जरा। बाकी लोग 47 पे कॉन्सेंट्रेट करें, 47। फोर्टी का आंसर मिला है? ऑप्शन फोर ही दिया हुआ है। हाँ हाँ, मैंने क्या किया है ना, इनकी सॉल्युबिलिटी एक्वा रेजिया मैंने बात की, इसकी सॉल्युबिलिटी एक्वा रेजिया में बात की, तो मैंने एलिमिनेशन से किया। ये जो सॉल्युबल होते हैं एक्वा रेजिया में, ये हमें ना कभी नहीं लगता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर, ये नहीं लगता है क्योंकि सिल्वर कभी सल्फाइड की तरह प्रेसिपिटेट नहीं होता है, इसलिए सिल्वर सल्फाइड की ये बिहेवियर हमारे टेक्स्ट के अंदर रिकॉर्डेड नहीं है। सिल्वर तो ग्रुप वन में क्लोराइड प्रेसिपिटेट बन के आ जाता है, तो सल्फाइड की कहां बात है कि मैं सिल्वर सल्फाइड की प्रॉपर्टी के बारे में या पढ़ाया आपको नहीं पढ़ाया। ऐसे में एलिमिनेशन से किया, ये तीनों मुझे पढ़ने को मिलता है कि एक्वा रेजिया में डिजॉल्व होता है एलिमिनेशन से करने की कोशिश की, क्योंकि सिल्वर सल्फाइड की बिहेवियर नहीं पढ़ा जाता है, ये सब क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। 47 बताइए, तो 47 calculate total number of atoms of 15th group element which are sp3 hybridized in compound x, phosphate ka test hai, ye canary yellow precipitate x hai, ye is taraf galti se likha gaya hai, left hand mein koi precipitate nahi hai, x hi precipitate hai। फॉस्फेट की कंफर्म टेस्ट है, दिखाऊं कहां पढ़ा है मैंने। फॉस्फेट ये येलो प्रेसिपिटेट ऑफ एमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट, ये मैंने फॉर्मूला दिया है, इसमें कितनी ग्रुप 15 मेंबर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये ग्रुप 15 है, ऐसा क्वेश्चन, ये ग्रुप 15 है, ये भी ग्रुप 15 है, नाइट्रोजन फास्फोरस तो ग्रुप 15 है, तो ग्रुप 15 की चार एटम्स है, तीन नाइट्रोजन एक फास्फोरस, फिर sp3 हाइब्रिडाइज है कि नहीं चेक करूंगा। हाँ, अमोनियम में नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज है, फास्फेट में फास्फोरस भी sp3 हाइब्रिडाइज है, सारे sp3 हाइब्रिडाइज है, वो चारों एटम, तीनों नाइट्रोजन एक फास्फोरस, सब sp3 हाइब्रिडाइज है इस येलो प्रेसिपिटेट के अंदर, ग्रुप 15 मेंबर्स है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसी को पूछ रहे हैं वो। दोबारा देख क्वेश्चन को, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट्स व्हिच आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड इन कंपाउंड एक्स, वो अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट, चार आंसर होगा उसका। चलिए यहां पे मैंने ऐसे दिख रहा है, ये दिख रहा है पूरा, ये सोडियम नाइट्रोक्साइड दिया ना, पर्पल सॉल्यूशन, ये कोई सल्फाइड होगा और क्या, सल्फाइड होगा और क्या, डाइल्यूट एसएल देने से कोई H2S आया है, गैस वाई
has been allowed to react to the following species in neutral acidic medium. कुछ PQR करके पूछा है, कुछ रास्ता तो मिल जाएगा. मैं कुछ बड़े क्वेश्चन और बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़े क्वेश्चन देखते हैं. देखो देखिए ये pale green crystalline in organic salt. Pale green, okay. Green precipitate on addition of aqueous NaOH. Aqueous solution of A decolorizes the pink color of acidic hydrogen potassium permanganate. इस पे D block भी add हो गया है. माने है तो question यहाँ का, but मिला जुला के question है. आयरन सॉल्ट पेल ग्रीन ना आयरन ही होता है. आयरन सल्फेट पेल ग्रीन दिखता है. और ये एसिडिफाइड पोटेशियम परमांगनेट के साथ रिएक्ट करे तो फेरस फेरिक बन जाएगा. पेल ग्रीन वो फेरस स्टेट में दिखता है. फेरस फेरिक बनेगा और पोटेशियम परमांगनेट को डिकोलराइज कर देगा, क्योंकि पोटेशियम परमांगनेट रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि फेरस ऑक्सीडाइज हुआ. फेरस सल्फेट पेल ग्रीन कलर का दिखता है. तो ये जो क्रिस्टलाइन इनऑर्गेनिक सॉल्ट बोल रहे हो, फेरस सल्फेट होगा. इट गिव्स ग्रीन प्रेसिपिटेट ऑन एडिशन ऑफ एक्वेस सोडियम हाइड्रोक्साइड. मैं दिखाऊं तुम्हें ये जो ग्रीन प्रेसिपिटेट का आइडिया कहां से है. ये आयन अगर आप पढ़ो है क्या निकल गया है. ये देखिए ये आयन का केमिस्ट्री अगर ठीक से पढ़े हो, ये फेरस देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड में ग्रीन प्रेसिपिटेट देता है. ये इस तरीके से जो टेबुलर फॉर्म में पढ़ाया जाता है ना, वो लगेगा लगता है पूरा ये ग्रीन प्रेसिपिटेट है. अब देखो साथ समझ में आए. पेल ग्रीन क्रिस्टलाइन इन ऑर्गेनिक सॉल्ट डिजॉल्व्स इन वाटर, इट गिव्स अ ग्रीन प्रेसिपिटेट एडिशन सोडियम से, वही है फेरस. बाकी का हो जाएगा. अब हम क्या करें, ऐसे कुछ और क्वेश्चन उठा के कर सकते हैं. ये देखिए वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, सोडियम सल्फाइड नाइट्रोसाइड. कैडमियम दोगे ना, कैडमियम सल्फाइड आज ही तो बात कर रहे थे, येलो प्रेसिपिटेट है. कुछ करो तो देखिए, जस्ट कोशिश करो तो. ऐसे ही मैं ऐसे ही नजर आया वैसे इस क्वेश्चन में. देखो तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस डिजॉल्व्स इन हॉट वाटर, ओके. ब्लैक प्रेसिपिटेट डिजॉल्व कंप्लीटली इन हॉट नाइट्रिक एसिड. कुछ अंदाज कर पा रहे हो? थोड़ा सीखोगे आप. पहला सेंटेंस में ही सफिशिएंट क्लू है. कोई भी व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हॉट वाटर में डिजॉल्व करने का मीनिंग वो लेड क्लोराइड ही होता है, कोई और नहीं होता है.
लेट लो। ये बात कहां से आया? यहां से। मैं दिखाऊं तुम्हें, ये देखो मैंने साइड में लिखा है, ये है ग्रुप वन आयंस, ये ग्रुप वन की प्रेसिपिटेट जो कि व्हाइट है, PbCl2 इसके अंदर है। साइड में क्या लिखा देखिए, PbCl2 is slightly soluble in warm water. हॉट वाटर में पूरा सॉल्युबल हो जाता है। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन हॉट वाटर, वो लेड ही है, लेड है। आगे देखो लिंक करो बन जाएगा। तो लेड सल्फाइड ब्लैक प्रेसिपिटेट है, नाइट्रिक एसिड में सॉल्युबल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड डालने से लेड सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, प्रेसिपिटेट इज ड्यू टू लेड सल्फेट, लास्ट प्रेसिपिटेट लेड सल्फेट। अभी तो थोड़ी देर पहले आपको कहा तीन सल्फेट ही पानी में इनसॉल्युबल है, लेड बेरियम एंड स्ट्रोंसियम, बाकी सारे सल्फेट पानी में वाटर सॉल्युबल है। थोड़ा करते करते सीखोगे। आए देखिए निकल डाइमिथाइल ग्लाइसिन का टेस्ट है, मुझे बनाओ। देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड पूरा अल्कलाइन मीडियम, क्वेश्चन इज नॉट गिव रेड प्रेसिपिटेट कलरेशन, कौन रेड नहीं देगा? ये साथ मैंने नहीं बोला क्योंकि मैंने फेरस की टेस्ट नहीं बोला है, आप एलिमिनेशन से साथ कर लें। मैंने फेरिक फेरोशियनाइड का प्रुशियन ब्लू लिखा है, आज ही लिखा है फेरिक फेरोशियनाइड। ये फेरस फेरिसियनाइड है, उल्टा उल्टा मैंने फेरिक फेरोशियनाइड दिया, ये फेरस फेरिसियनाइड है, ये भी ब्लू है। इनफैक्ट फेरस फेरिसियनाइड और फेरिक फेरोशियनाइड दोनों समान कंपाउंड है, ये पूरा ब्लू है। ये तो खैर रेड है, आज ही लिखे हैं हम लोग, ये रेड है लिखे हैं। सिल्वर क्रोमेट रेड है, ये पढ़ सकते थे बट ये रेड है, आप कर लो, सिल्वर क्रोमेट इज रेड प्रेसिपिटेट। और ये आप कर लो तो फेरस फेरिसियनाइड इज ब्लू, जैसे फेरिक फेरोशियनाइड ब्लू है, फेरस उल्टा करने से ब्लू होता है, सुनो मेरी बात सुनो, फेरिक फेरोशियनाइड को प्रुशियन ब्लू कहते हैं, फेरस फेरिसियनाइड ये जो कंपाउंड है इसे टर्नबुल्स ब्लू कहते हैं, टर्नबुल BULL टर्नबुल्स ब्लू कहते हैं। इनिशियली ये दोनों कंपाउंड अलग माना गया था तो दोनों अलग नाम दिया गया था, बट है ब्लू, बाद में जाके पता चला है दोनों कंपाउंड समान है। आप इधर से बनाओ उधर से बनाओ समान कंपाउंड एक्चुअली बनता है, वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी ने दिखाया था शायद, या कोई और स्टडीज ने दिखाया था कि दोनों कंपाउंड समान है। एक फेरिक और फेरस के बीच एक साइनाइड ब्रिज होता है जिसकी थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता रहता है, तो जो फेरस है थोड़ी देर के बाद वो फेरिक है, और जो फेरिक है थोड़ी देर के बाद वो फेरस है, इसलिए दोनों समान है, तो दोनों ब्लू है, हालांकि नाम दोनों का डिफरेंट है। आप लिख लो फेरस फेरिसियनाइड इज टर्नबुल्स ब्लू, हाउएवर प्रुशियन ब्लू के साथ समान है कंपाउंड, सिल्वर क्रोमेट होता है तेरा रेड। यही देखा है, आज बोल नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू कॉपर कैडमियम, ये कॉपर कैडमियम सेपरेशन है। बोलो आप समझ गए ना, ये आज पढ़ा रहा था मैं, समझ में आ रहा है आपको? हेलो यस सर, आप बताओ तो कौन सा सही है, कम से कम एक सेंटेंस तो बता दो मुझे सही कौन है, एक सही तो बता दो, नॉट करेक्ट वाला तो बात नहीं।
सर बी तो करेक्ट है सही है या देखिए कॉपर कैसे माइनस या कॉपर प्लस वन है ये कॉम्प्लेक्स का चार देखिए माइनस थ्री है बट ये देखिए माइनस टू है यही बोल रहा था बट मैं ना सच में पूछूं तो मैं ऑनेस्टली मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि ये कभी एडवांस में भी आएगा बट यू डोंट नो पूछ लेंगे तो बड़वा जेई मेंस के क्वेश्चन में तो बहुत सारा इधर उधर चीजें आने लगे हैं सुनिए मैं क्या सोचता हूँ मैं हो सकता है पूरा गलत हूँ मैं हो सकता है पूरा गलत हूँ बट मेरा मुझे यकीन है कि मैं गलत नहीं हूँ ये ना इतना जो क्वेश्चन बना रहे हैं ना उनके पास नहीं है रिसोर्सेस इतनी क्वेश्चन इतनी बार टेस्ट करने के लिए इतनी बार क्वेश्चन फिर बैकअप क्वेश्चन भी रहता है उनके पास टीम नहीं होगा जो इतना क्वेश्चन बना रहा है हम लोग थक जाते हैं एक एक पेपर क्वेश्चन बनाने के लिए चार बार चेकिंग होता है फिर भी गलतियां छूट जाता है इतना बड़ा टीम है उनके पास इतना बड़ा टीम कभी नहीं होगा तभी वो क्या कर रहे होंगे ना स्टडी पैकेज से क्वेश्चन उठा रहे हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्टडी पैकेज है वहीं से क्वेश्चन उठा रहे हैं छोटा सा टीम होगा सिलेबस को मेंटेन कर रहा होगा बट क्वेश्चन मन से नहीं बना रहा है वो चेक नहीं कर रहा है क्रॉस वैलिडेशन एडवांस में लेकिन वो नहीं होता है कभी नहीं होता है वो पूरा क्रॉस चेक करते हैं तीन बार चेक करके छोड़ते हैं जेई मेंस का टीम इतना बड़ा नहीं है एडवांस में तो वो तो एक ही क्वेश्चन उनका बनता है वो तो किसी एक आईआईटी को दे देते हैं वहाँ के स्टाफ बना रहे होंगे क्वेश्चन इनका जो शिफ्ट वाइज टेस्ट है ना मुझे तो पूरा 2019 के क्वेश्चन जब मैं देखता हूँ मुझे पूरा यकीन होता है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट क्वेश्चन से उठाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में क्या होता है पता है कुछ कुछ क्वेश्चन के अंदर ना कंडीशन ऑफ रिएक्शन बिल्कुल नहीं रहता मतलब टीचर ने कभी ध्यान ही नहीं दिया है क्वेश्चन बनाने के समय खासकर ऑर्गेनिक में सॉल्वेंट उनका मेंशन नहीं होगा पैरों के ऊपर एजेंट लिख दिए होंगे और वो इस तरीके से चलते हैं जबकि WBJEE क्वेश्चन कभी नहीं ऐसा होता एडवांस के क्वेश्चन कभी नहीं होते वो पूरा ऑर्थोडॉक्स है पूरा एकदम सॉल्वेंट लिखेंगे कंडीशन लिखेंगे फिर जाके प्रोडक्ट देंगे तुझे और वैसा ही क्वेश्चन जेई मेंस में दिखने को मिल रहा है कोई कंडीशन नहीं है कुछ नहीं है ऐसे एरो मार्क के ऊपर कुछ भी लिखा है लिख देगा तेरा HCl अरे HCl गैस फेज में रिएक्ट कर रहा है या किसी सॉल्वेंट में रिएक्ट कर रहा है वो तो बता जेई मेंस में क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है इसलिए जेई मेंस के अंदर कुछ भी आ रहा है ये मेरी समझ है हो सकता है मैं गलत हूं क्योंकि ऐप जो उन्होंने बनाया था एनटीए की जो ऐप बनाया था वो मेडिकल के लिए बनाया था वो तो एकदम बेवजह एकदम बेकार था उसके से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आए मेडिकल एंट्रेंस के नाम पे उसके अंदर पूरा आईटी के क्वेश्चन थे उन्होंने सीधा उस ऐप को आउटसोर्स कर दिया था किसी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया था ऐप को चलाने के लिए वो अपनी मर्जी से अब उसका अपना पास जो क्वेश्चन बैंक था सबको अपलोड कर दिया उसने लास्ट ईयर जब मेडिकल एंट्रेंस के लिए बच्चे प्रिपेयर होते थे बच्चे क्वेश्चन लेके जब मेरे पास आते थे मैं मना करता था मत पढ़ो तब वो बोलते सर ये एनटीए के अभ्यास आप में है तो मजबूरन उसे बोलना पड़ता था मुझे मैं डर डर के मैं बोलता था ये बोलूँ तो इसे समझ में नहीं आएगा और वो सब कुछ नहीं आया 720 गया फुल मार्क 720 स्कोर कर लिए बच्चे दो बच्चे स्कोर कर लिए मैंने एनटीए अभ्यास आप और एनटीए क्वेश्चन हेल एंड हेवन की डिफरेंस था आई हैव नो प्रॉब्लम इन सेइंग दिस तो ऐसे में कुछ भी आ सकता है बट मुझे यकीन है कि मुझे मेरी जो समझ है ये नहीं आएगा बट ठीक है आप पढ़ें नेक्स्ट है ये हुआ देख लेते